हेलो एंड नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम टेक। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप MIUI 10 की कॉल स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो इनकमिंग या हो वो आउटगोइंग। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दोनों ही कॉल स्क्रीन को कैसे आप अपने फोन में चेंज कर सकते हैं, जो MIUI 10 पे रन कर रहा है, MIUI 9 पे या और कोई भी अगर आप स्मार्टफोन यहाँ पे ले लें। तो आप मेरे को बताना आपको ये वाली क्वालिटी कैसी लगी, मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, आप देख के बताना आपको क्वालिटी जो है वो कैसी लगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको चेंज करने के लिए आपको एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, जो है गूगल का ऑफिशियल डायलर। तो अगर आप इस डायलर को डाउनलोड कर लेंगे अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आप आराम से इस चीज को है वो चेंज कर पाएंगे, अपनी कॉल स्क्रीन और कौन सी स्क्रीन होती है वो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल स्क्रीन जो है वो आप चेंज कर पाएंगे। तो लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चले जाइए लिंक के ऊपर। वहां पे जाने के बाद आपको एक साइट दिखेगी जिसपे आपको टन ऑफ एड्स दिखेंगी। आपको वहां पे आई एम नॉट अ रॉबोट करके आई एम इन कर देना, मतलब वहां पे आपको सिलेक्ट कर देना, ओपन कर देना है। तो उसके बाद आप मीडिया फायर के पेज पे आ जाएंगे, वहां से आपको जाके आपको इस एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आपका एपीके इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको एक खास काम करना होगा जिसका नाम है इंस्टॉल्ड ऐप। आपको यहाँ पे जाना होगा और आपको ऊपर इन तीन डॉट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे जाके आपको डिफॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे फोन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा ना फोन ऐप, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो फोन आएंगे, जैसे अभी मेरे सामने आ रहे हैं। ये जो वाला फोन है आपको इससे हटके इस पे जाना होगा, आपको इस वाले फोन पे आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना होगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको यहाँ से बैक जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना होगा इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर और यहाँ पे आपको वो फोन ढूंढना होगा। फोन ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे ऐप परमिशंस पे जाना होगा। तब आप यहाँ से ऐप परमिशंस पे चले जाएंगे तो आपको सारी परमिशंस को इनेबल कर देना है, जैसे स्टोरेज को छोड़ के आपको लोकेशन और कैलेंडर की परमिशन को इनेबल कर देना है। तो जब आप ये कर लेंगे तो अगर आप यहाँ से फोन खोलेंगे और यहाँ पे आप मैंने टर्न ऑन पे क्लिक, इसको आपको एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेना है पूरी तरह से। आप यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर लेंगे और आपका जो डायलर है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करूँ, जैसे मैं टाइप करते हैं 198, तो आप देख सकते हैं मतलब कॉन्टैक्ट की परमिशन की वजह से जो कैलेंडर है आ गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉल स्क्रीन चेंज कैसे करनी है। मैं पहले यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, ऑडियंटी मोड यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर आपको चेंज हो गई आपकी कॉल स्क्रीन अब से, तो अगर आप किसी को यहाँ से कॉल करेंगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कॉल जा रही है वो बिल्कुल अलग टाइप से जा रही है और ये जो कॉल है मतलब ये उठ भी चुकी है। आपकी जो आउटगोइंग कॉल स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की देगी। शायद से आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चले जाएं सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे हमें डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स वॉइस मेल, एक बार जाके हमें यहाँ पर लगता है आप शायद कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं शायद, है भाई पक्का नहीं बता सकता मैं क्योंकि दिख नहीं रहा भाई। अब कलर चेंज करने का ऑप्शन होना तो चाहिए था, नहीं भाई आप कलर चेंज नहीं कर सकते। कई फ़ोन में जो ये कलर है वो ब्लू आता है और कईयों में जो है ये ग्रीन आ रहा है, मेरे में ग्रीन आ रहा है। तो आप मतलब इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कॉल आएगी तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखेगा। तो दोस्तों जब कॉल आएगी तो ये कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे दिखेगा इंटरफेरेंस, जिससे आप देख सकते हैं कि MIUI वाला जो है उससे बिल्कुल ही अलग है, जो हेड अप वाली कॉल आती थी। अगर हम इसके अंदर चले जाएंगे तो आपको उठाने का और काटने का भी बिल्कुल दिखेगा। अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो जो कॉल है वो ली जाएगी और हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से नॉर्मल कॉल की तरह, और अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो जो आपकी कॉल है वो कट जाएगी। बाकी सारे फीचर्स में ऐड कॉल, होल्ड, कीपैड, स्पीकर और म्यूट, सारे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी कॉल स्क्रीन जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो मैंने तो इसको भाई डिफॉल्ट बना लिया है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देता है। यानी कि जो ये डायलर है वो गूगल का डायलर है, तो ये कोई थर्ड पार्टी डायलर नहीं है, इट्स अ गूगल डायलर। यो तो दोस्तों ये है आज की वीडियो की, आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी कॉल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन। क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे को एक बंदे ने बोलती भाई बना दो, मेरे को बहुत जरूरत है इस वीडियो की, और क्या कहते हैं मैं एक महीने से लाइट ऑन कर लूँ पीछे। हाँ तो भाई वो कह रहे थे कि भाई मेरे को जरूरत है इस वीडियो की, आप बना दो कोई, मतलब अच्छा लगता होने चाहिए थी कि हम कॉल स्क्रीन को कैसे चेंज कर सकते हैं MIUI 10 में, क्योंकि वो वॉलपेपर कह रहे थे, पर वॉलपेपर चेंज करने का भाई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको मतलब पूरी कॉल स्क्रीन ही चेंज हो जाएगी। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, और ये जो क्वालिटी है मैं 4K वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद से कंप्रेस होकर 1080p में जा सकती है, पर उससे नीचे आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी इसकी क्वालिटी। तो बस यही कहना चाहता था मैं आज इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स एक और वीडियो आने वाली है जो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है, और अगर आप चाहते हैं उसका टीज़र
वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि आगे आपको मैं टीजर, जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको उसमें 5 सेकंड की क्लिप दिखेगी जिसमें आपको मैं टीजर दिखाऊंगा उस चीज का कि वो वीडियो किस पे आने वाली है। आएगी MIUI 10 MIUI के ऊपर, तो चिंता ना करिएगा। तो फिर चलो फिर टीजर पे चलते हैं। और यार अगर आपने वीडियो को, अगर पसंद आई वाली वीडियो, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके अभी के भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए MIUI से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। यार सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जाके अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, जा सब्सक्राइब कर देना ठीक है, और लाइक करना। चलो फिर चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नई और एक्साइटिंग सी एक और वीडियो में। तो चलता हूँ भैया, लौट के मिलता हूँ, बाय। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपने मेरे अभी तक कार्तिक बत्रा नाम के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसमें मैं आपको पबजी के लाइव स्ट्रीम जल्द ही देने वाला हूँ। आप एक दो दिन का वेट करिए, उस पर हमको मिल जाएगी। और टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप उस पर जा सकते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो अपलोड करी है व्हाट्सएप के रिलेटेड, व्हाट्सएप के नए हिडन ट्रिक्स जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं, तो जाके आप जरूर से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय।